जय माता जी। इसमें देखो ये हम मकाई डाल रहे हैं, अभी हरा मकाई है, आप मत डालना कोई, हम डाल रहे हैं ऐसे मत करना। देखो ये मेरे हिसाब से एक एक केजी के आसपास ही होगा। ये मकाई है कटिंग किया हुआ, ये मक्का भी बोलते हैं। देखो ये हमारे घोड़े अर्जुन को हम डाल रहे हैं, लेकिन इसको एक एक केजी से, बड़ा घोड़ा होगा तो एक केजी डालना, छोटा होगा तो आधा केजी डाले। है ना, हम तो मकाई, अभी ये धूप बहुत है ना, गर्मी है, तो ये मकाई है ना बहुत बढ़िया रहेगी घोड़ाओं के लिए। तो ये देखो हम डाल रहा है, ये हमारा महादेव है, उसके एक केजी भी नहीं, एक आधा केजी है, ये छोटा बच्चा है। आप डालेंगे ना इसको 10 किला तो भी ये तो खा जाएगा, लेकिन मकाई डालना है ना तो थोड़ी थोड़ी डालो, आप ज़्यादा मत डालिए। क्या ना कमाए, शाम को मेरे हिसाब से 7 बज गया है नाइट में, है ना, शाम को 7 बजा है अभी, बाहर तो अंजवारा है, इधर नहीं है, तो मैं थोड़ा ये भी चालू करके आपको बताता हूँ। देखो ये मकाई, तो ये कटिंग किया हुआ मकाई है, ये पूरी पक चुकी है, एक अच्छी मकाई भी नहीं होना चाहिए घोड़ाओं के लिए, गाय होगी, भैंस होगी, कोई भी दूसरा एनिमल होगा तो इसको चलती है, पर लेकिन घोड़ाओं को नहीं चलती। ये देखो हमारा तूफान है, उसको भी डालेंगे, जितनी डालेंगे उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इधर तूफान बच्चा है, ये 11 मंथ के आसपास का है, 11 मंथ से ऊपर हो गया, ये देखो इतनी डालेंगे, आप भी देख सकते हैं, बस इतनी डालेंगे, मेरे हिसाब से आधा किलो होगी, आधा किला से थोड़ा ज़्यादा होगी, 600 ग्राम, क्योंकि और अभी शाम को मैं डाल रहा हूँ, सभी को डालेंगे, बड़ा घोड़ा होगा उसको एक एक केजी डालेंगे। ये एक केजी के ऊपर है थोड़ी, ये देखो हमारी लक्ष्मी है प्रभात वाली, उसका भी ठाण देखो पूरा साफ किया हुआ है, और ये डालते हैं तो ये बढ़िया खाएगी, लेकिन उसको डालो मत ज़्यादा, मर जाएगी। मकाई तो डालना ही चाहिए, पर लेकिन ऐसे डालो कि उसको थोड़ा थोड़ा करके आदत, आप इसको पूरी मक्का खिलाएगा ना तो भी कुछ नहीं होगा घोड़ी को, लेकिन गर्मी के टाइम होगी और आप 12 मंथ खिला सकते हैं इसको। ये देखो एक केजी के ऊपर से, ये 1.5 केजी के आसपास है, हमारी आलीशान है बड़ी घोड़ी, तो उसको तो आदत है खाने के लिए, लेकिन उसको भी ज़्यादा नहीं डाला हमने। ये 1200-1500 ग्राम के 1.5 केजी आप बोल सकते हैं, तो ऐसे करके आप डालो तो आप कोई भी खिला सकता है। ये घोड़ाओं के लिए ये मक्का बढ़िया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके आप इसको 50 किलो भी खिला सकता है, कुछ नहीं होता, लेकिन हमेशा आदत डालो उसको। ये देखो माँ बेटो दो है, तो उसको भी डालेंगे हम। देखो ये खाना इसमें ये जोगण डाला था तो जोगण खा लिया है, आपको ज़्यादा नाइट है तो दिखाई नहीं देगा, और ये इसको मकाई डाला हुआ है, भाई 1 केजी 500 ग्राम इतनी डाली है, और नाइट में वापस डालेंगे। पहले अभी ये हरा बाजरा आएगा, कटिंग करने के लिए गया हुआ है, तो हरा बाजरा आएगा ना तो बाजरा भी हम तो पहले 1-1, 2-2 केजी करके ऐसे ही खिलाते हैं। आप कोई भी एनिमल नहीं, पर घोड़ा होगा ना तो उसको ऐसे ही डालना चाहिए, 1-1 केजी आधा केजी से आप स्टार्ट कीजिए। कोई भी सिंह का पाला होगा, ये सिंह का पाला है, सिंह का पाला होगा, ये सणा का पाला होगा, कोई भी पाला होगा, सुक्का होगा, तो आप 1-1 केजी से ही चालू करिए। लेकिन घास होगा और हमेशा खाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, उसको आदत डालना है तो ये आधा केजी से आप शुरुआत कीजिए। कोई भी घास होगा, घास होगा, सुक्का होगा, कोई भी, कहाँ आप हमेशा जो एक जंगली खड़ा आता है ना वो डाल सकता है, वो भी हरा होता है तब नहीं, सुखा होता है तो वो कभी भी 5 केजी 4 केजी डालते हैं, लेकिन ये पाला ये कोई भी डालो आप, 1-1 केजी से आप डालिए, आदत डालिए। हम अभी डाला है ये मकाई, हरी मकाई डाली है, सबको डाल दिया है, देखो सब खा रहा है, बड़ी प्यारी से खा रहा है, लेकिन ये बाकी हो गया है भैया, अभी जो जोगण खा रही है,
ये जोगन खा लेगी तो उसको वो मक्का ही डालेंगे, लेकिन एक केजी ही डालेंगे, एक केजी से ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मैं यही बताता हूँ सबको कि भाई आप एक केजी करके आप डालिए कोई भी। तो कोई बहुत लोग बोल रहे हैं मक्का ही मत खिलाओ, तो मक्का ही तो ज़रूर खिलाना चाहिए। धूप की धूप होगा, गर्मी होगा, बारिश होगा, कोई भी हो, बहुत सर्दी होता है तो भी खिलाना चाहिए, जो इसको पानी कभी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन हमेशा डालता रहना चाहिए। जब आदत आप पहली बार डालते हैं तब आधा केजी आज डाला है, सुबह डालिए आप एक केजी, ऐसे ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए, तो एक घोड़ा को कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई भी आप इसको जहर भी खिला सकता है घोड़े को, लेकिन आदत डालना पड़ेगा। या नहीं जहर भी आप उसको विष भी खिला सकता है, पर आहिस्ता आहिस्ता आदत डालना पड़ेगा उसको, कुछ नहीं होगा। हम जो ये मक्का डालेंगे अभी डाली है 7 बजे, नाइट में 10 बजे एक एक केजी डालेंगे, और अभी ये मक्का खा लेंगे तो बाजरा डालेंगे, बाजरा खा लेंगे तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये सिंग का पाला डालेंगे, उसके बाद थोड़ी मक्का ही डालेंगे, और सुबह वापस सने का सारा डालेंगे। तो ऐसा करके आप आदत डालेंगे। मैं वापस बाजरा डालूँगा तब भी आपको बताता हूँ। इसमें देखो ये हरा बाजरा है, ये बाजरा भी है कटिंग किया हुआ, ये मिक्सिंग करेंगे। ये अकेली ये मक्का ही डालेंगे ना, ये मक्का भी बोल सकते हैं, मक्का ही। तो इसमें ये मक्का ही है, ये दोनों मिक्सिंग करके डालेंगे। तो ये बाजरा है वो गर्म आता है, ये मक्का है ठंडी होती है। तो ये दोनों को मिक्स करके ये खिलाएंगे, तो ये खिलाएंगे ऐसे करके, तो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो हरा बाजरा है इसमें और मक्का ही, दोनों को मिक्स किया दोन देखा, तो मिक्स हो जाएगा दोनों साथ में, तो खिलाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों तो बाजरी है गर्म होती है और मक्का है ठंडी होती है। तो दोनों को अभी शाम को तो डाला है, दोनों को बाजरा और मक्का मिक्सिंग हो जाएगा पूरा। तो ऐसे करके ये मिक्स हो जाता है दोनों साथ में। तो देखो ये एक दो बार आप ऐसा कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, साथ में मिक्स हो जाएगा। और सुबह सुबह डालेंगे इसको, सुबह डालेंगे तो धूप भी बहुत होती है इधर हमारे, तो ये बाजरा में पानी होता है, मकाई में भी होता है, तो ये सुबह डाल देंगे। ये ऐसा ही सुबह तक पड़ा रहेगा, फिर आप ढेर कर देंगे तो गर्म हो जाता है, बाफ लग जाता है, तो ऐसे ही खुला ही रखते हैं। ये सुबह सुबह मेरे हिसाब से होगा ये 30 केजी के आसपास, दोनों मिला के 30 केजी के आसपास। तो ये सुबह सुबह 10 घोड़े को करेंगे, 20 केजी के आसपास ही है सब, 20-30 के आसपास, 20 नहीं, ये 10 घोड़े को नखे डालेंगे, 2-2 केजी के आसपास आएगा। तो ऐसा है।